महापौर विष्णु लाटा निकले जयपुर शहर के दौरे पर। जी आपको बता दें कि शहर की सफाई, पार्कों और लाइट व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। हिंगोनिया गौशाला भी पहुंचे मेयर लाटा। गौशाला की व्यवस्थाओं का यहां पर जायजा लिया। आला अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद रहे। गौशाला में खराब चारे को देख भड़के मेयर। आपको बता दें कि चारा सप्लायर्स को नोटिस देने के लिए निर्देश जारी किए हैं और वेटरनरी ऑफिसर को सस्पेंड करने के भी यहां पर निर्देश दिए हैं। वार्ड 82 में कई व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मेयर विष्णु लाटा निरीक्षण करने निकले हैं और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दिनेश, बताएं क्या कुछ उचित कार्रवाई विष्णु लाटा आप करने वाले हैं? देखिए लवीना, पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायत मिल रही थी, साथ ही रोड लाइटों के भी कंप्लेंट थी। ऐसी शिकायतों को देखते हुए आज मेयर ने शहर का दौरा किया है। सांगानेर जगतपुरा से दौरे की मेयर के दौरे की शुरुआत हुई है और विभिन्न क्षेत्रों के दौरा करते हुए हिंगोनिया गौशाला की भी व्यवस्थाओं का मेयर ने दौरा किया है। साथ ही जो अव्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिली उनको देखकर मेयर विष्णु लाटा भड़क गए और तुरंत अधिकारी को निर्देशित किया। खराब जो चारे को देखकर मेयर ने चारा सप्लायर्स कंपनी है उसको नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो वेटरनरी ऑफिसर है उनको सस्पेंड करने के भी निर्देश दिए। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में भी सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया है और ईदगाह क्षेत्र में भी जो विधायक रफीक खान है वो साथ में रहे और पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तमाम निगम के अधिकारी इस दौरे में साथ रहे हैं और जहां कहीं लापरवाही देखने को मिली है वहां अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। जी दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें कि महापौर विष्णु लाटा निकले जयपुर दौरे पर और शहर की सफाई, पार्कों की स्थिति पर यहां पर उन्होंने निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।